गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार मित्रों, आज अग्नि राजिता प्रविंदा सबको नमस्कार। राजूदा ने काफी विस्तार से जो है सारे विषय रख दिए हैं। जो कमियां पश्चिम बंगाल टीएमसी सरकार की है और इस कोरोना के कठिन समय में जिस तरह से केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ यानी अपने टोटल भारतवर्ष का जो जीडीपी है, हमारी टोटल जीडीपी करीब 210 लाख करोड़ के आसपास है। हम हर साल करीब 30 लाख करोड़ का बजट जो है सदन में पेश करते हैं, तो 210 लाख करोड़ का करीब करीब जो है 10% के आसपास यानी 20 लाख करोड़ की घोषणा जो है केंद्र की सरकार ने किया है। ये कठिन समय है और इससे बहुत सारी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है और ऑब्वियसली हमारा जो क्षेत्र है वो टूरिज्म और सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा निर्भर करता है, उस नाते जो है हमारे को ज़्यादा उसकी तकलीफ भी हुई है। अब ये सब इंडस्ट्री को उभरने में मदद मिले, इन सब बातों को देखते हुए जो है 20 लाख करोड़ की घोषणा की है। विस्तार से दादा ने बताया, कुछ बातें मैं भी आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली घोषणा हुई थी प्रधानमंत्री जो है गरीब कल्याण योजना के तहत, जिसके तहत जो है हर एक को 5-5 किलो चावल, 1 किलो दाल और चना दिया गया। इतना ही नहीं, जो मनरेगा का बजट है उसको बढ़ा करके 182 से 202 रुपये किया गया। सीनियर सिटीजन और जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए हर महीने जो है 1000 रुपये की घोषणा की गई है और वो दिया गया। और जनधन अकाउंट के अंदर में 500 रुपये प्रतिमाह। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ और सिर्फ मैं दार्जिलिंग जिले की बात करूं तो 278,000 लोगों को प्रतिमाह जो है 500 रुपया इस दौरान मिला है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है 10 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए तक यानी विदाउट गारंटी कोलैटरल फ्री जो है कर्जे की घोषणा भी जो केंद्र सरकार ने दी। ऐसे बहुत सारी घोषणाएं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हुआ है। एमएसएमई सेक्टर को 370,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये सारा एमएसएमई में कवर होता है। आपकी टी इंडस्ट्री देख लीजिए, टूरिज्म, ट्रेडिंग, जो कुछ भी आता है वो ये सारा जो है एमएसएमई में आता है। एमएसएमई की डेफिनेशन को भी चेंज किया है, 100 करोड़ की टर्नओवर तक को एमएसएमई का दर्जा उनको मिलेगा। और इतना ही नहीं, जो सिख और एनपीए इंडस्ट्री है उसके लिए भी कर्जे की जो है रिस्ट्रक्चरिंग की इसमें मदद दी है। और मिडिल क्लास और आम आदमी के लिए 6 महीने तक की ईएमआई की छूट दी है। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए देश भर में 17,000 करोड़ की घोषणा की है और उसका पहले फेज की पैसा जो है वो भी दिया गया। और इतना ही नहीं, जो छोटी कंपनियों को राहत देने के लिए 24% जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो भारत सरकार दे रही है। टीडीएस जो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए उनके लिए बहुत लाभ का विषय है, 25% तक की जो है रिडक्शन टीडीएस में किया गया है। और जो स्ट्रीट वेंडर है, जो ठेले चलाने वाले, उन तक को भी 10,000 रुपये तक का जो है आसानी से जो है बैंक से लोन मिल जाएगा। हर एक कंपनी को जिसको इस कोरोना संकट के समय में तकलीफ हुई है, 20% तक की एडिशनल वर्किंग कैपिटल इसकी भी घोषणा की है। वन नेशन वन राशन कार्ड की घोषणा की है। किसानों के लिए बहुत सारी जो है सुविधा इसके अंदर में दी है। और प्रधानमंत्री जी का यही कहना है, अपने लोकल के लिए वोकल होना है और आने वाले समय में हर जिले के अंदर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हिंदुस्तान में रहेगा। और जो है इसके कारण हमारे देश में जितने भी जिले हैं उन सब जिलों को भी इसकी मदद मिलेगी। और क्योंकि हम फोकस होकर के, कंसंट्रेट होकर के हर एक जिले में आकर एक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे, तो हमारे जो लोकल ब्रांड है आने वाले समय में ये जो है ग्लोबल ब्रांड जो है बनने की दिशा में बढ़ेंगे। मैं पिछले काफ़ी दिनों से अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ और इस कोरोना संकट को लेकर के बहुत जो है कठिन समय जो है पश्चिम बंगाल में चल रहा है। और आए दिन जो है हमारे यहाँ पे डेथ का जो परसेंटेज है और जो नंबर से आए दिन जो है काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं रखना जरूर चाहूँगा आपके सामने। हमको थोड़ा नंबर्स, क्योंकि
पश्चिम बंगाल में बहुत झूठ बोला जाता है और टीएमसी सरकार इसके लिए पॉपुलर है। दादा ने तो उनको एक डिग्री भी दे दी पीएचडी की। तो इस झूठ के कारण जो है सही और गलत का फर्क जो है आम जनता को नहीं होने के कारण जो है ये कोरोना और तेजी से बढ़ रहा है। देखिए आज पूरी दुनिया के अंदर में 78 लाख कोरोना पॉजिटिव है और उसके अंदर में रिकवरी रेट पूरी दुनिया में वर्ल्ड का 51% है और जो है पूरी दुनिया में डेथ का जो रेशियो है वो 5.5% है और पूरी दुनिया में 428,000 लोग कोरोना से संक्रमित थे जो ठीक होकर के अपने घर को वापस जा चुके हैं। हिंदुस्तान की आप बात करो अभी तक 3 लाख कोरोना पीड़ित हैं और 50% यानी जो ग्लोबली जो 51% है उसके करीब करीब जो है हमारी रिकवरी रेट है और डेथ रेट जो है हिंदुस्तान में 2.8% है। और जो है पश्चिम बंगाल की आप देखिए 10,000 लोग पीड़ित हैं और 10,000 में से रिकवरी रेट जब हिंदुस्तान का 50% है पश्चिम बंगाल का 41% है और हिंदुस्तान में डेथ रेट 2.8% है पश्चिम बंगाल में 4.5% है ऑलमोस्ट डबल है। और जो है अभी तक 460 जो है ये तो सरकारी आंकड़े हैं जो रात में जो लाशें जलाई गई उसकी जो है इसमें मैंने अभी वो संख्या को नहीं जोड़ा। और आप बगल के हमारे राज्य उड़ीसा में देखिए 3500 लोग जो है कोरोना से संक्रमित हैं हमारे ही पड़ोस में राज्य है और जो है वहाँ रिकवरी रेट 70% है और वहाँ पे डेथ रेट जो है 0.2% है। इसी के आसपास पूरा नॉर्थ ईस्ट सिक्किम भी है तो पश्चिम बंगाल भी उड़ीसा नॉर्थ ईस्ट सिक्किम की तरह इतना ही बढ़िया इस कोरोना से लड़ सकती थी। हमारी सरकार टीएमसी सरकार की लापरवाही के कारण जो है आज हमको ये दिन देखना पड़ा है और जो है बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। तो मेरी राज्य की सरकार से पिछले दिनों मैं बहुत तेजी से जो है पिछले 3 दिन से गांव-गांव वीडियो ऑफिस और वीडियो हमारे ब्लॉक के जो अस्पताल है वहां पे भ्रमण कर रहा हूं, क्वारंटाइन सेंटर में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, आम जनता नागरिक से मिल रहा हूं और राजनीति से ऊपर उठ करके मैं समझने की ये कोशिश कर रहा हूं कि समस्या क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। तो मैं अपनी राज्य की सरकार से कुछ डिमांड रखता हूँ। देखिए इमीडिएटली पश्चिम बंगाल के अंदर में टेस्टिंग की संख्या बढ़ानी पड़ेगी नहीं तो हम कोरोना को नहीं रोक सकते। और सिलीगुड़ी क्षेत्र के अंदर में 2 कोविड के अस्पताल दोनों अब फुल हो गए हैं, हमको इमीडिएटली और अस्पताल की आवश्यकता है और इमीडिएटली बहुत डॉक्टर और नर्सेस की शॉर्टेज है। जब मैं ब्लॉक अस्पताल में गया तो ब्लॉक अस्पताल के अंदर में जो सेंक्शन मैन पावर है उससे 1/3 लोग ही काम कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से किसी भी डॉक्टर नर्स और किसी भी स्टाफ ने छुट्टी नहीं ली। नक्सलबाड़ी फांसी देवा फोरी बारी ब्लॉक ऑफिस के ब्लॉक अस्पताल के अंदर में जो डी ग्रेड के स्टाफ है जो सेंक्शन काउंट 20 है लेकिन कई महीनों से और कई पिछले 3 सालों से सिर्फ 5 और 6 लोग ही कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। ये उनके साथ अन्याय है, अत्याचार है, इमीडिएटली इसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जो टेस्ट हो रहा है सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है ये एक हिसाब से सिर्फ ड्रामा हो रहा है। आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो और 14-14 दिन 15-15 दिन तक उसका आप रिपोर्ट नहीं दे रहे हो। मैं अभी खरसियों के क्वारंटाइन सेंटर में गया और वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में एक भैया जो वहाँ पे थे खिड़की से बात हुई क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है तो उन्होंने बताया उनका 14 दिन पूरा हो गया लेकिन अभी तक उनको टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिला। अब हो गया क्या कि वो घर चले जाएंगे, घर जाएंगे, घर में घूमेंगे, ससुराल जाएंगे वहाँ भी घूमेंगे, मामा के यहाँ जाएंगे वहाँ भी घूमेंगे तो उसके कारण अगर बाद में पॉजिटिव आया तो बहुत सारे लोग जो है कोरोना से जो है संक्रमित हो सकते हैं। और ऐसा बार बार हो रहा है, पहले 14 दिन के बाद उनको छोड़ा जा रहा है फिर बाद में पूरे परिवार के साथ जो है उनको पकड़ के लाया जा रहा है। इसीलिए जो है ये टेस्टिंग जो हो रही है 24 घंटे में बाकी प्रांत जो कर रहे हैं जो ICMR की गाइडलाइंस है 24 घंटे के अंदर में सबकी रिपोर्ट आनी चाहिए। और जो है एक समस्या और जो है नॉर्थ बंगाल में देखा जा रहा है कि अस्पताल के अंदर में कोविड दो अस्पताल में कोविड का इलाज हो रहा है बाकी अस्पताल के अंदर में जो रूटीन के हमारे मरीज है या बाकी जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार को इमीडिएटली ये तय करना पड़ेगा कि कौन से अस्पताल कोविड होंगे और उसके अलावा बाकी जो पेशेंट है उनके लिए जो है अस्पताल की सुविधा करनी पड़ेगी और क्वारंटाइन सेंटर की जो है जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा।
वहाँ खाने पीने की व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, वहाँ पे टॉयलेट और वॉशरूम की व्यवस्था उचित करनी पड़ेगी, और जो लोग रह रहे हैं बहुत मतलब अनहाइजीनिक जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे हाइजीन की साफ सफाई की इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मैं कई दिन से देख रहा हूँ पश्चिम बंगाल में एक फुल टाइम जो है हमारे को स्वास्थ्य मंत्री की आवश्यकता है। आज समस्या ये है कि मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग अपने साथ रख करके बैठी हुई है और उनके पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैं ये भी मांग करता हूँ राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य विभाग से इस्तीफा देना चाहिए और एक फुल टाइम जो है हमको जो है मंत्रालय जो है मंत्री पश्चिम बंगाल के अंदर में हो तो इस समस्याओं का कुछ हद तक निदान हो सकता है। देखिए जब अल्फान तूफान के बाद सेंट्रल की टीम आती है, ममता दीदी और उनके मंत्री और उनकी सरकार रेड कारपेट बिछा करके उनको जो है वेलकम करती है क्योंकि वहाँ उनको टका पैसा मिलने वाला है। और जब वही केंद्र की टोली वही इंटरनल मिनिस्ट्रियल टीम जब कोरोना की जांच करने के लिए यहाँ की परिस्थिति को देखने के लिए केंद्र सरकार ने टोली भेजी राज्य सरकार की मदद करने के लिए तो 15 दिन तक उनको जो है गेस्ट हाउस से निकलने नहीं दिया था। ये हमारी जनता के साथ अन्याय है, अत्याचार है और ऐसी सरकार को रहने की कोई अनुमति जो है नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए पिछले 2.5-3 महीने के अंदर में जब से लॉकडाउन हुआ सारी प्रांतों ने अपनी तैयारी की, केंद्र सरकार ने अपनी तैयारी की और जिसके चलते मैं आपको बताऊं आज जो है देश भर में 2 लाख से ज्यादा जो है कोविड अस्पताल के हमारे पास बेड है, 10,000 से जो है सॉरी 1,000 से ज्यादा हमारे डेजिग्नेटेड कोविड अस्पताल देश भर में है। इतना ही नहीं 21,000 सरकारी छोटे और बड़े अस्पताल और 4,000 प्राइवेट अस्पताल वो भी बैकअप के अंदर में एंसिलरीज के अंदर में वो भी है। इतना ही नहीं 70,000 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है, इतना ही नहीं हमारे पास 30,000 ICU बेड उपलब्ध है। इतनी तैयारी जो है भारत सरकार ने और बहुत सारे प्रांतों ने किया लेकिन पश्चिम बंगाल ने पिछले 2.5 महीने के अंदर में रात में लाश जलाना राजनीति करना इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये 2.5 महीने में हम बहुत कुछ कर सकते थे, जो हमारी इनिशियली स्थिति थी वो काफ़ी बेहतर थी, अगर उसी समय हम जगते और समय रहते ये काम करते तो ये काम आज ठीक होता। केंद्र की टोली मैं बार बार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा उसके बाद यहाँ पे आई उसके बावजूद भी उनको काम करने नहीं दिया गया। इतना ही नहीं आप देखिए हमारे यहाँ पे पश्चिम नॉर्थ बंगाल के अंदर में एक भी जो है ये टेस्टिंग का लैब उपलब्ध नहीं था। 23 मार्च को सबसे पहले उठ करके पार्लियामेंट में मैं बोला था हमारे को टेस्टिंग की और स्क्रीनिंग की व्यवस्था चाहिए। 29 मई को चालू हो गया, उसमें भी बहुत राजनीति हुई यहाँ। और जो है इतना ही नहीं आप देखिए ना आज जो है केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपया नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के अंदर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए 150 करोड़ रुपया दिया। और इतना ही नहीं उस अस्पताल के लिए जितनी प्लांट और मशीनरी है वो सब आ चुकी है वहाँ पे इक्विपमेंट, लेकिन आज तक जो इतने साल हो गए वो बिल्डिंग बन करके तैयार नहीं हुआ और वहाँ पे जो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट जो आए थे वो सड़ रहे हैं। अगर इतना बड़ा अस्पताल आज अगर बना होगा तो हमारे इतने सारे जो मरीज है वहाँ पे आसानी से आराम से इलाज कर सकते थे। तो ये पूरी तरह जो है नाकाम रही है, फेल रही है और गप मारने के अलावा ये सरकार कुछ और कर भी नहीं सकती, इससे कोई हमें अपेक्षा भी नहीं है। डॉक्टर निजर के एक उन्होंने जो पूछा था ना आइसोलेशन कोच का, देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ, आज से 10 दिन पहले ही मैं हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख चुका हूँ, यानी रेलवे मंत्री जी को भी पत्र लिख चुका हूँ कि दिल्ली ने तेलंगाना ने बहुत सारे प्रांतों में रेलवे के कोचेस आइसोलेटेड कोचेस लिए हैं और मैंने भी हमारे क्षेत्र के लिए मांग किया हर जिले के अंदर में अगर 16 डब्बे वाले जो है रेल लग जाती है तो उसमें 250 जो है बेड उपलब्ध है आइसोलेशन वाले बेड। तो ये मैंने डिमांड की है और सारे जिस जिस राज्य ने डिमांड की है उस राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन यहाँ की अधिकारी सरकार जो है केंद्र सरकार को रेल मंत्री को एक चिट्ठी लिखने में भी उनको जो है तकलीफ आती है, उनको लगता है उनका जो है उसके अंदर में बहुत बड़ा अहित हो गया, इस वजह से जो है हमारी जनता दुख पा रही है। लेकिन हम अपने प्रयास से कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे मंत्री के थ्रू यहाँ पे वो कोचेज की व्यवस्था हो। देखिए मैं आपको बता दूं सिलीगुड़ी के लिए जो सुझाव हो सकते थे अभी इससे पहले मैंने डिटेल में आपको दिया है, हमको इमीडिएटली जो है टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी,
जो लोग बाहर से आए उनकी ट्रेसिंग ट्रैकिंग ठीक से करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर 14 दिन तक चाहे घर चाहे इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा, उनकी टेस्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उनको नेगेटिव आने पर घर भेजना पड़ेगा और साथ ही उचित अस्पताल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये करके ही हम कोरोना को कंट्रोल में कर सकते हैं। और रही बात देश भर की, देखिए कल और परसों दो दिन प्रधानमंत्री जी के साथ सारे प्रांतों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है, क्योंकि हम सब लोग फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर में रहते हैं, सारे प्रांत और केंद्र की सरकार मिल करके देश की हित के लिए, देश की नागरिक की हित के लिए जो भी अच्छा होगा वो निर्णय कल और परसों बैठक के बाद दिया जाएगा। हमारे संविधान ने ये क्लियर डायरेक्शन दिया है, जैसे डिफेंस है, सिक्योरिटी का मामला है, रेलवे है, ये प्योरली केंद्र सरकार का विषय है। और जहाँ तक जो है स्वास्थ्य विभाग आता है, हेल्थ की बात आती है, ये प्योरली स्टेट का सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट कंकरेंट भी रहते हैं जो केंद्र और राज्य सरकार मिल करके करती है। स्वास्थ्य की जो भी व्यवस्था है, जो कुछ भी करना है, वो प्योरली जो है राज्य सरकार को ही करना है। अगर राज्य सरकार केंद्र से मदद मांगे, हम खुले हाथ से खुले मन से देने के लिए तैयार हैं और आज तक किया भी है। अभी तक मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, केंद्र सरकार के ऊपर में बारंबार बंगाल की सरकार ये आरोप लगाती है कुछ नहीं दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अभी तक 6 लाख पीपीई की केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को दे चुकी है, 7 लाख जो है N95 मास्क दे चुकी है, अभी तक जो है 35 सरकारी और प्राइवेट मिलाकर के 35 जो है ICMR अप्रूव्ड लैब टेस्टिंग लैब चालू हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 11,200 करोड़ रुपए के माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा केंद्र सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, 126 करोड़ रुपया ये जो मेडिकल इक्विपमेंट और ये सब आइटम खरीदने के लिए केंद्र की सरकार शुरू के 15 दिनों में ही उन्होंने दे दिया था। तो इतना पैसा भी दे रही है, इतनी मदद कर रही है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ की सरकार भ्रष्टाचार में ले उसमें बीजी है। आपको एक मैं आपकी जानकारी के लिए भी, और आप इसको थोड़ा सा छानबीन करिए क्योंकि आप लोगों की पहली नज़र है और पिछले 2.5 महीने से दिन रात आपने मेहनत की है, ये माइग्रेंट लेबर को लेकर के 11,000 क्विंटल चावल जो है हमारे क्षेत्र में, मैं दार्जिलिंग जिले की बात कर रहा हूँ, 11,000 क्विंटल चावल आया है, ये करीब 2.5 करोड़ रुपये के आसपास का सामान है। पिछले दिनों जो 5 किलो चावल था वो तो जनता ने जो है झगड़ा करके काफी हद तक ले लिया, क्योंकि वो बढ़िया क्वालिटी का चावल था, बोले हमको मोदी चावल चाहिए, ये दीदी चावल हमको नहीं चाहिए, काफी हद तक लिया। लेकिन ये जो माइग्रेंट लेबर की अभी जो घोषणा हुई, वो 11,000 जो है क्विंटल चावल दार्जिलिंग जिले में आया और वो गायब हो गया। आप मैं चाहता हूँ आप उसकी थोड़ी सी छानबीन करिए कि उसके अंदर में ये 2.5 करोड़ रुपए का राशन कौन खा गया और यही रहने वाले किसी नेता ने खाया है, इसकी जो है मैं जांच करवाने की मांग कर रहा हूँ और आने वाले समय में इसकी जो है प्रॉपर घोषणा भी मैं आपके सामने रखूंगा। मैं दो विषय और रखना चाह रहा हूँ, दो बड़ी समस्या है। एक तो मैंने पहले भी बताया, हमारा क्षेत्र टूरिज्म में सब कुछ निर्भर करता है। आज दार्जिलिंग के अंदर में जो है होटलों ने बंद करने की घोषणा की है और इसका इम्पैक्ट जो है सिलीगुड़ी में भी देखा जा रहा है। हमारे क्षेत्र में पिछले साल जो है 1500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके पश्चिम बंगाल सरकार को दिया था टूरिज्म ने। मैं ये बारंबार ये मांग कर रहा हूँ, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, राज्य सरकार ने सिंहपना बगान नष्ट कर दिया, चाय बगान बंद हो रहे हैं, उसके उत्थान के लिए कुछ नहीं किया, अब बुचा खचा टूरिज्म है ये भी नष्ट होने की कगार पे है। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ कि 30% 1500 करोड़ का 30% यानी 500 करोड़ रुपए इमीडिएटली जो है राहत के तौर पे राज्य की सरकार को देना चाहिए। केंद्र सरकार ने जो देना था काफी दे चुकी है, आने वाले समय में केंद्र सरकार और भी घोषणा करेगी। इसके साथ एक बहुत बड़ा विषय भी है, स्कूल की फीस और बस की फीस को लेकर के, क्योंकि एजुकेशन प्योरली स्टेट का सब्जेक्ट है, इसके ऊपर में भी टीएमसी सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी चिंता करनी चाहिए। मुझे लगता है वो स्कूल को अगर मदद दे तो उससे टीचरों को फीस भी मिलेगा और जो पेरेंट के ऊपर में जो ये प्रेशर दबाव पड़ा है इन दिनों उससे भी जो है उनको बड़ी राहत मिलेगी।